नमस्कार, थैंक रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी खास मेहमान हैं शांभवी जी। आप एक कथक कलाकार के तौर पर तो हम सभी इनको जानते ही जानते हैं। इनके भीतर साहित्य की जड़ें भी काफी गहरी हैं, तो आज की इस बातचीत में कथक पर भी चर्चा होगी, साहित्य पर भी चर्चा होगी और उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी जो इन्होंने अपनी शख्सियत में समेटे हुए हैं। शांभवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत तो यहीं से करते हैं कि वो पहला दिन याद आता है जब पैर में बहुत अच्छे से बैठ के घुंघरू पहने हो, क्योंकि घुंघरू पहने होंगे तो निश्चित तौर पर ये सिंसियरनेस आ गई होगी कि हाँ, मुझे कथक सीखना है, वरना उससे पहले तो बस बगैर घुंघरू के भी क्लासेस होती ही रहती हैं। सर्वप्रथम गजानन को स्मरण करते हुए, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जंबु फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारितम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मेरा आपको साधुवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर, और हमारे सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। बड़ा ही सुंदर सवाल है आपका, लेकिन सच बताऊं तो मैंने इतनी छोटी उम्र में घुंघरू पहने थे कि वो तो याद ही नहीं है कि पहली बार घुंघरू पहने कब थे। और मैं इतनी छोटी थी कि मैंने खुद से घुंघरू नहीं पहने थे, हमारे गुरुजी ने हमको घुंघरू पहनाए थे। ये जरूर स्मरण है कि गुरुजी ने घुंघरू बांधे थे और बताया था कि ऐसे घुंघरू बांधते हैं, और वो ही बांधते थे, क्योंकि मेरी नृत्य शिक्षा, जैसा कि हमारे माता पिता बताते हैं, जब मैं 4 साल की थी तो 4 वर्ष की आयु से ही मेरी कथक नृत्य की शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। तो ये तो हो गई उस बचपन की बात जहां आपको याद भी नहीं है दरअसल कि वो घुंघरू पहली बार कैसे बंधे थे, वो क्या उम्र थी। लेकिन वो उम्र भी तो आई होगी ना जब आपको लगा होगा कि नहीं, ये जो भी कर रहे थे अब यही करना है जीवन में आगे हमेशा हमेशा के लिए। या ऑफ कोर्स दैट वाज अ सीरियस डिसीजन ऑफ लाइफ ऑफ करियर एंड इट वाज इन क्लास 10th। आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। जब मैं अपने तत्कार का अभ्यास कर रही थी और हमारे पिताजी श्री मुन्ना शुक्ला जी, सागर निवासी, वो आए मेरे कथा कक्ष में और उन्होंने कहा कि कल से तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, अभ्यास करना है डटकर, अगर कथा करना है तो तुम मुझे देख लो, चुन लो, बताओ, और अगर इस कला के क्षेत्र में घुसना है तो ये समझ लेना कि लोहे के चने चबाने होंगे।
अगर उसके लिए तैयार हो तो ठीक है, वरना अभी से डिसाइड करो, क्योंकि मैं 4-4, 6-6, 8-8 घंटे अभ्यास करती थी, डूबी हुई थी, सिर्फ पढ़ाई और अभ्यास, पढ़ाई और अभ्यास। ऐसे कितने ही साल बीते हैं जब शाम नहीं देखी मैंने होते हुए, क्योंकि सुबह से जो एकदम बैक टू बैक रूटीन शुरू होता था, सुबह स्कूल, स्कूल से आके तुरंत फ्रेशन अप होके खाना खा के तुरंत होमवर्क करना है, और तुरंत जो है 5 बजे से घुंघरू बांध के अभ्यास शुरू करना है, क्योंकि अगर गुरुजी आएंगे और वो घुंघरू की आवाज और तत्कार की आवाज नहीं सुनेंगे तो वो आएंगे ही नहीं, उस दिन आपकी तालीम ही नहीं होगी। तो वो आज के वातावरण जैसा माहौल नहीं था, और गुरु लोगों का अगर मन मिजाज होता था तभी वो तालीम देते थे, अन्यथा नहीं। बिल्कुल, जब तुम रियाज ही नहीं कर रही हो तो तुम्हें क्या सिखाओ, पहले लय में तो आ जाओ। तो इस तरह की बातें होती थी। तो वो एक पल था जिस समय मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, कथक के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। सो दैट वॉज द पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तो शाम्वी, इसी समय ये भी बताइए कि दरअसल बहुत ही आराम से बातचीत का माध्यम बन गया है रागगिरी का ये वीकेंड इंटरव्यू सीरीज, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि घर के भीतर, घर के बाहर, शुरुआत से लेकर अभी तक जिन गुरुओं ने भी गढ़ा, उन सब गुरुओं को याद करें। तो ये मौका आपके लिए भी है कि आप परिवार के भीतर तो हम सभी जानते हैं, परिवार के बाहर भी जिन लोगों से आपने सीखा, आप कम सीखा, ज्यादा सीखा, लेकिन जिनसे भी सीखा उनको याद करिए। मेरी जो कथक की तालीम शुरू हुई, सर्वप्रथम तो ये निर्णय मेरे माता पिता का था, क्योंकि उन्होंने एक छोटी बच्ची को नृत्य करते हुए देखा, और जाहिर सी बात है कि उस समय जो फिल्मी संगीत के जो गाने आएंगे, जो बच्चे को सुनाई पड़ेगा, वो उस पे ही थिरकेगा, 3-4 साल का बच्चा कैसा होगा। पर ये उन्होंने इस प्रतिभा को जज किया, और ये उनका निर्णय था कि नहीं, जब इसको इतनी रुचि है नृत्य में तो फिर इसे हम शास्त्रीय नृत्य की तालीम ही दिलवाएं। बिल्कुल, तो माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। तो यहाँ से मेरा जीवन का यह सफर प्रारंभ होता है, और फिर मेरी कथक की तालीम शुरू हुई पंडित प्रेम नारायण गुरु जी से, जो कि बनारस घराने के कथक आचार्य रहे, और उनकी तालीम कथक साम्राज्ञी विदुषी सितारा देवी जी से हुई थी, जो उन्होंने बनारस जाकर ही ग्रहण की थी। और बहुत उस समय में बहुत ही मुश्किलातों से ग्रहण की थी, क्योंकि हमारे गुरुजी का जो समय था, और वो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से उनकी भी पृष्ठभूमि रही, क्योंकि वो गुरु परिवार, गुरु उनका सरनेम था। जो गुरुजी हम लोग बोलते हैं वो बात अलग है, बट वो गुरु ही थे, वो राजा के यहाँ गुरु पद पे थे उनका परिवार। तो उस जमाने में सितारा जी, जैसा कि अक्सर अपने इंटरव्यूज में बताया करती थी, कि सभी लोग ये कलाओं की इस तरह से समझ नहीं थी, वो वातावरण नहीं था जो आज है। तो उतने मुश्किल समय में गुरुजी ने सीखा, और सागर मध्य प्रदेश जैसे एक जो अंदर का इलाका माना जाता है, मध्य प्रदेश और उसमें भी सागर, वहां आकर उन्होंने कथक का प्रचार प्रसार किया। प्रेम गुरु जी से हमारी कथक नृत्य की तालीम प्रारंभ हुई, और बहुत गहन तालीम हुई बनारस घराने की। लगभग 15 वर्ष बचपन से जो मैंने ये सीखना शुरू किया, तो 1999 तक गुरुजी से तालीम चलती ही रही, और गुरु जब होते हैं तो तालीम तो चलती ही रहती है, उसका कभी अंत नहीं होता है। हाँ, पर 1999 में हमारे प्रथम गुरुजी ने ये बोला कि बेटा, मेरे पास जो था वो मैं तुम्हें सब दे चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अन्य गुरु के पास ले जाऊंगा, ले जाना चाहता हूँ। और उस समय तो पना भी रहता है, और एक अपने गुरु से जो लगाव, जिस शिद्दत से आपने सीखा था, तो वो बहुत गहरा होता। मैंने कहा मैं किसी से नहीं सीखूंगी गुरु जी, मैं आपसे ही सीखूंगी, अब आप, मुझे नहीं पता, मैं किसी और के पास नहीं जा रही,
दोनों ने हमारे ने जयपुर के सिरमौर, जयपुर के खलीफा, जयपुर घराने के नन अदर देन पंडित राजेंद्र गंगानी जी, उनके पास गए, हमारे मम्मी पापा के साथ गए और फिर पंडित राजेंद्र गंगानी जी से मेरी तालीम आगे की हुई। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा जब गंडा बंधन हुआ पंडित राजेंद्र गंगानी जी से, तब हमारे प्रथम गुरु जी ने भी गंडा बंधवाया था, तो जिद थी कि नहीं दोनों गुरुओं का आशीर्वाद लिए, तो ये उसके जो है गंडा बंधन का, और बहुत विस्तार से वो पूजा होती है। गंडा बंधन का बहुत महत्व है हमारे शास्त्रीय संगीत में, गुरु शिष्य परंपरा में, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। और गंडा बंधन से पहले लगभग 2 साल तक गंगानी गुरुजी ने मेरी जो परीक्षाएं ली हैं, बहुत सारी साइलेंट एग्जामिनेशंस हुए हैं, तब जाके वो गंडा बंधन हो पाया है। लगभग आज से 23 वर्ष पूर्व, बिल्कुल आज 23 वर्ष हुए हैं जब गुरुजी के सानिध्य में हम सब पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, और तालीम का सिलसिला, गुरु से मार्गदर्शन का सिलसिला तो सदैव ही चलता रहता है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम सीख चुके। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये सहजता पंडित राजेंद्र गंगानी जी में भी हम लोग देखते आए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो, उनका स्नेह जिस तरह से मिलता रहता है हम लोगों को। खैर, मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारे बड़े मंचों को आपने अब तक प्रस्तुतियां बड़े मंचों पर की हैं और आगे भी आप करेंगी, लेकिन क्यों ना हम याद करें कुछ ऐसी प्रस्तुतियों को जो बिल्कुल आपके जीवन की शुरुआती प्रस्तुतियां रही हों, जब जो आज आपको प्यार मिलता है, जो आज आपका काम है, जो एस्टैब्लिश हो चुका है, वो नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये शाम्भवी हैं, ये कथक करने जा रही हैं, इस तरह के कुछ कार्यक्रमों को याद कीजिए। मेरा एक घटना आपको बताती हूँ जी, और यह भी एक तरीके का दुस्साहस है इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का, पर अपनी खामियों को ऐसे सामने रखना मुझे लगता है कि वो आपको और इम्प्रूव करता है। मेरा जो पहला कथक नृत्य का कार्यक्रम था, मैं उसमें अपने घुंघरू ले जाना भूल गई थी, और ये जब कार्यक्रम शुरू हुआ और दौड़ भाग मची और फिर ड्राइवर के साथ किसी को भेजा गया कि नहीं नहीं जाओ, और वो बैग वहां रखा है, तो उस घटना के बाद मुझे पिताजी से जो डांट पड़ी थी और उसमें न्यूज़पेपर से इंटरव्यू लेने आए लोग, तो पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, अभी वो तैयार नहीं है, जो बच्ची सीरियस नहीं है कि उसका कॉस्ट्यूम, उसका घुंघरू, सब कुछ, उसके सभी वाद्य उसके साथ होने चाहिए, उसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई पब्लिसिटी नहीं। क्या आज के जमाने में माता पिता ऐसा करेंगे? तो ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है माता पिता। बिल्कुल, बिल्कुल। आज तो बच्चे हम लोगों के पास आते हैं और 1 महीने बाद पेरेंट्स का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि परफॉर्म कब करेगा। मैं जब अपने प्रथम गुरुजी के पास से, जब एक ट्रांजिटरी फेज होता है, एक घराने, एक गुरु के सानिध्य में आपने गहन तालीम ली, गहन शिक्षा ग्रहण की, और फिर उसके बाद एक दूसरे आप गुरु के मार्गदर्शन में गए, तब 2 साल मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया। और ये उस स्टेज की मैं बात बता रही हूं जब भोपाल दूरदर्शन से हमारी नृत्य प्रस्तुतियां शुरू हो चुकी थी, 1998 में दूरदर्शन से पहला कार्यक्रम प्रसारित हो गया था गंगानी गुरुजी के पास जाने से पहले जी। और ऑल इंडिया कथक कंपटीशन मैंने जमशेदपुर में जीता था, तो आई वॉज परफॉर्मिंग इन अ फुल फ्लेज्ड वे
और परफॉर्मेंसेस भी 2 घंटे के, 2.5-3 घंटे। उसके बाद गुरुजी के पास गए और फिर उसके बाद वो पेशेंस रखना कि नहीं अभी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रियाज नहीं, अभी सिर्फ रियाज, नो प्रोग्राम। तो ये जो अनुशय और धैर्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बातें तो इतनी ज्यादा हैं कि एक तार से दूसरा जुड़ जाता है। मैं भूल ही गई कि आपने प्रश्न क्या किया था। मेरा प्रश्न कुछ शुरुआती कार्यक्रमों के बारे में था, लेकिन आपने पहला ही जो उदाहरण दिया वो बहुत बड़ी सीख है उन तमाम बच्चों के लिए भी और उन पेरेंट्स के लिए भी जो अगर शास्त्रीय संगीत या किसी कला को सिखा रहे हैं और उन्हें लगता है कि 2 महीने में बच्चा स्टेज पर जाकर कार्यक्रम करने लगे या वो डांस करने लगे या वो कोई राग सीख ले, तो वो मुश्किल है। ये साधना है और बच्चा करेगा, लेकिन इसके लिए दबाव बनाना गुरु पर भी और बच्चों पर भी गलत है। खैर, आप शामुवी, आपके आपके नृत्य कार्यक्रम जो आपने जो प्रश्न किया था उसमें कुछ, वैसे तो हर कार्यक्रम अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जी, पर कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं कि कई बार ऐसा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ही प्रतिष्ठित सरस्वती पूजा पे कार्यक्रम था जमशेदपुर, और उस वक्त हमारे जो दिल्ली से ही गायक आने थे वो आ नहीं पाए थे। गायक और तबला वादक दोनों ही, संयोग से जमशेदपुर कैलकटा के पास पड़ता है। बिल्कुल। तो उस वक्त जो है कैलकटा में जो हमारे भाई डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शुक्ला जो सितार वादक हैं मैहर घराने के, उनके साथ वो कलाकार हमेशा संगत करते थे श्री सोमेन सरकार जी, उनको बस बुलाया और फटाफट हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ बंदिशें देखी और मंच पे यकीन मानिए सिर्फ एक हारमोनियम और एक तबला, इससे पूरा 2 घंटे का कार्यक्रम निकाला गया। और संयोग से वो लोग जिन्होंने मेरी बहुत सारी प्रस्तुतियां देखी थी उन्होंने कहा कि एस्थेटिकली दिस वाज योर बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि आपके पास ये सुविधा ही नहीं थी कि मंझा हुआ तबला वादक आपके पास है, मंझा हुआ गायक आपके पास है, तो आपको जो खेल करना है वो एस्थेटिक्स में करना है। तो ये रिव्यू था कनशियस का। और जो परीक्षा की बात मैं कर रही थी कि गुरु कैसे परीक्षा लेता है, वो भी कलकत्ते की बात है। अब कलकत्ते जैसा शहर, और ये सब बातें मैं आपको बता रही हूँ लगभग आज से 20 साल पहले की, कि कलकत्ता में गुरुजी के साथ जाना हुआ और मुझे एक दिन पहले संयोग से किसी बस बातों में मालूम पड़ा कि कल मेरा परफॉर्मेंस है, वो भी ज्ञान मंच कलकत्ता में। तो गुरु कैसे परीक्षा लेता है, वो तो आदत थी हमेशा तैयार रहने की है कि आपका कॉस्ट्यूम मेकअप घुंघरू सब कुछ साथ रहेगा, कुछ और रहे या ना रहे, जबकि परफॉर्मेंस की कोई भी बात नहीं थी। और तबले पर थे गोपाल मिश्रा बनारस घराने के, तब भी वैसे ही हुआ कि जो खुला नृत्य का जो अंदाज और जो पुराना अंदाज और एक कलाकार को कैसे पक कर तैयार होना होता है। आज तो बहुत कथक नृत्य में बहुत ही ज्यादा बंधा नाच है, फिक्स है, तबला वादक आपका फिक्स है, आपका गायक फिक्स है, आपकी बंदिशें फिक्स है, आपका थाट तक फिक्स है, लेकिन नृत्य का जो खुलापन है कि किसी भी तबले वादक के साथ आप नृत्य कर सकें, किसी भी गायक के साथ ऑन द स्पॉट स्टेज पे कार्यक्रम कर सकें, जो कि कथक नृत्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जो कि दूसरे शास्त्रीय नृत्यों में से उसको एकदम अलग बनाता है, द स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी ऑफ कथा। तो इस तरह के मेरे बहुत सारे कार्यक्रम हुए, क्योंकि ये तो बहुत आसान होता है कि अपने घराने के तबला वादक हैं, अच्छे गायक हैं, उनके साथ तो आप खुला नाच जाओ घंटों। तो ये सारे जो चीजें हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। मैं अपने कार्यक्रम का अगर अनुभव बोलने लगूंगी तो 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। सही कह रही हैं आप। हालांकि चलिए, कार्यक्रम की बात हो रही है तो कुछ झलकियां हमारे पास हैं आपके कार्यक्रम की, तो उसमें से एक झलकी देख लेते हैं। और आचार भरत इत्यादि एक शब्द का प्रयोग करते हैं अपने शास्त्रों में, निर्गीत। निर्गीत के अंतर्गत ही हमारी प्रश्न होती है पद्मिनी
क्या प्रमाण? सावन अभी अभी गुजरते गुजरते गुजर रहा है, इसलिए परमिलों परमिलों शब्द साहित्य की दृष्टि से अर्थ नहीं रखते, परंतु अपने स्वभाव से अर्थ जरूर रखते। अच्छा, कथक की इन इस कार्यक्रम की आपकी झलकियों को देखने के बाद अब मैं आता हूं जो मैंने शुरुआत में कहा था कि साहित्य भी बहुत गहरी पकड़ है आपकी, या कहा जाए कि आपके अंदर बहुत गहरे से बैठा हुआ है साहित्य भी। इसकी क्या कहानी है? बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि आपके अंदर ये साहित्य की जड़ें आई कहां से, वो बताइए हमें। शुरुआत वहीं से पारिवारिक पृष्ठभूमि से। मेरे पिताजी साहित्यकार हैं, लेखक हैं और सभी उनके नाम से परिचित हैं। हाँ, कुछ कथक मेरे क्योंकि मैं कथक नृत्यांगना हूँ तो कई बार कथक वालों को ये भ्रांति होती है कि कथक वाले जो मुन्ना शुक्ला जी हैं वो ही मेरे पिताजी हैं। वो भी गुरु तुल्य हैं, पिता समान हैं, पर सागर में निवास जो करते हैं और जितने भी आर्टिकल्स जो आपको मिलेंगे बहुवचन में, संगीत कला विहार में, सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में वो हमारे पिताजी द्वारा लिखित हैं। तो परिवार में ये साहित्य का माहौल रहा। हमारी माँ डॉक्टर कविता शुक्ला, उन्होंने खैरागढ़ से गायन में वो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, तो हमेशा ही पढ़ाई के प्रति और साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति सजगता तो परिवार में ही रही। कवि त्रिलोचन जी हमारे पिताजी के काव्य गुरु हैं, वो घर आया करते थे और कालिदास और सभी जो हैं कवि, चाहे वो हिंदी के हों, संस्कृत के हों, उनकी पंक्तियां पूरे प्राचीन साहित्य से ले तक वर्तमान आधुनिक हिंदी कविता तक, चाहे वो प्रयाग शुक्ल जी की कविता हो, अशोक वाजपेयी जी की कविता हो, विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता हो, तो सब पर चर्चा और ये सभी चीजें चलती रहती। तो इस प्रकार से साहित्य के प्रति ये रुझान हुआ और लिखते लिखते लिखने की शुरुआत हुई। और हाँ, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल, सागर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय रमेश दत्त दुबे जी, उनका मैं नाम यहाँ लेना चाहूंगी। और उन्होंने बचपन में ही मुझे ये सीख दी थी कि लिखो। मैंने कहा मुझे लिखना नहीं आता, उन्होंने कहा नहीं आने दो पर लिखो लिखो, लिखते लिखते लिखने लगोगे। और उनकी ही इस सीख को मैंने माना। और जब जब मैं भूल जाती थी तो पिताजी तो डांट के लिए और कान मरोड़ने के लिए हैं ही कि सारी कथक नृत्यांगनाओं की भाषा बहुत खराब होती है, आप अपने भाषा पे काम करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से लेखन हुआ कि शुरुआत हुई। और मेरा फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल जो है और जो मेरे पास है, वैसे तो बहुत पहले से लिखना शुरू कर दिया था और कुछ कुछ है भी नहीं कि जाने कहाँ कहाँ है, बट जो याद पड़ता है, पहला प्रकाशित लेख सन 2001 में
है मेरे पास। तो 2001 से लिखना शुरू किया तो अभी तक वो यात्रा चल रही है। लेकिन और विभिन्न विषय बीच में किताबें भी लिखी आपने, वो बहुत अहम हिस्सा है, तो वो आप जरूर साझा कीजिए। जो किताबें रही, आप समीक्षाएं आपने की बहुत सारी, तो वो जो समझ थी या कान जो मरोड़े गए उससे जो ये डर था कि लिखना नहीं आता है, लेकिन वो डर निकला और फिर किताबों में तब्दील हुआ, वो भी बहुत रोचक अनुभव है और उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है, वो भी बताइए। जी, कथक विनियोग नामक मेरी पुस्तक है जो कि बहुत सालों के परिश्रम के बाद सामने आई, और इसकी विशेष बात ये है कि ये यूजुअली लोग डॉक्टरेट करने के बाद अपनी जो थीसिस है उसको पब्लिश करते हैं, बट डॉक्टरेट से इतर ये मेरा काम है। और इसमें वो सारे मेरे अपने स्वयं के अर्जित अनुभव हैं जो कि एक प्रैक्टिशनर के अनुभव होते हैं, वो प्रैक्टिशनर जो नाट्यशास्त्र भी पढ़ता है और सारे ग्रंथों का गहन अध्ययन के साथ। तो जब मैं अपनी शिक्षा ले रही थी, और जब कला में आप रहते हैं सतत उसके चिंतन मनन में रहते हैं, मेरा मास्टर्स जो है संस्कृत से हुआ, तो संस्कृत में मास्टर्स करने के क्रम में मुझे जो जो जिन जिन को भी पढ़ने मिला और संस्कृत में जो पकड़ आई उसने बहुत मदद की मुझे। नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, बृहद्देशी इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने, तो इस प्रकार से बहुत ही गागर में सागर का प्रयास था। और कथक और नाट्य शास्त्र का अंतर संबंध, कथक और रास का अंतर संबंध, लोक से शास्त्रीय की ओर, ये मैंने एक 3 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित करवाया था जिसका थीम ये थी लोक से शास्त्रीय की ओर, कि किस प्रकार से लोक और शास्त्रीय अंतर गुंफित हैं, अंतर संबंधित, और कला यात्रा ये कैसे होती है हमारी भारतीय संस्कृति। तो लिखने के क्रम में ये मेरी कथक विनियोग में ये सारी चीजें हैं। अनन्य प्रकाशन का है, नई किताब समूह का यह प्रकाशन है, आप सभी पढ़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब इसके अलावा मेरे बहुत जी आप अपनी बात जी नहीं नहीं आपकी बात इसके अलावा कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं मेरे जो अलग अलग विषय पर मैंने लिखे हैं। लगभग 25-30 मेरे पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग जगह प्रकाशित हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भारतीय भाषा संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय का वर्ष 2020 में ही वो आयोजन हुआ था, वहाँ आमंत्रित किया गया था। संगीत नाटक अकेडमी की संगना पत्रिका, इस तरह से विविध पत्रिकाएं जो लेखन के लिए जानी जाती हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ईश्वर की कृपा हुई और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि देश बंधु समूह है और उनका ये प्रतिष्ठित सम्मान है जो कि लेखन के लिए ही युवा लेखकों को प्रदान किया जाता है, पुनर्नवा नाम से। तो हाल ही में मुझे लेखन के लिए, कथ्य लेखन के लिए पुनर्नवा पुरस्कार मिला, आप सभी लोगों के शुभकामनाओं से। तो मैं एक ये पहली दफा मेरे ख्याल में था कि जब एक कथक नृत्यांगना को लेखन के लिए भी पुरस्कार मिला। वही मैं कहने जा रहा था कि ये और कोविड के समय में एक ये चीज ये भी हुई कि पढ़ने का मौका मिला, और पढ़ने का मौका मिला तो काफी सारे काव्य संग्रह और ये सब पढ़े, और एक तरफ फिर ये भी मुझे सामने से प्रस्ताव आया मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का जो पाठक मंच होता है उससे मुझे काव्य समीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया साहित्य अकादमी की ओर से, और जलता हुआ पुल जो कि बहुत सुप्रसिद्ध कवि हैं, कवि अग्निशेखर जिनका कश्मीरी पंडितों के संघर्ष सारा कार्य है, और उनका ये काव्य संग्रह है जलता हुआ पुल, उसकी काव्य समीक्षा मेरी विविध जगह प्रकाशित हुई और काफी सराही गई थी।
तो उससे एक डर भी है कि जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं आज जब इंटरव्यू करता हूँ कई बार तो दोस्तों से बात होती है तो बताता हूँ कि आज शाम को फला कलाकार से बात करनी है, फला कलाकार से बात करनी। तो आज किसी से मेरी बात हो रही थी दिन में, तो उन्होंने कहा कि यार आप उनसे ये जरूर पूछना कि वो उनकी शैली में कुछ अलग है। अब वो उन्होंने तो कह दिया अलग है और मैंने सुन भी लिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आपकी कथक की शैली में क्या अलग है बाकियों से। ये बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, क्योंकि परंपरा में रहते हुए उसमें नया करना बड़ा मुश्किल है। जब आप किसी चीज में भीग चुके होते हैं और फिर उसके रंग से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी शास्त्रीय कलाओं की तो ये पद्धतियां हैं, पहले 10-20 साल उसमें डूबना पड़ता है और फिर डूब के कुछ एक अलग बन के निकल कर आना होता है। तो मुझे जो नृत्य तालीम मिली गुरुओं से, उसको ग्रहण करते हुए मैंने सोचा कि क्या कैसा नृत्य होना चाहिए, शांभवी का नृत्य कैसा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जिस प्रकार से इसको अगर परिभाषित मैं करूं तो जैसे भाषा का मुहावरा होता है, हर एक लेखक की अपनी एक वानगी होती है, एक मुहावरा होता है, वैसे ही कथक नृत्य में भी एक विशेष आंगिक सौष्ठव, एक विशेष अंग विन्यास जो बहुत ही बारीक होता है, बहुत सटल होता है, तो एक अलग विन्यास गढ़ना और ऐसा विन्यास जो मूल रूप से आपके शास्त्रीय पद्धति के जो चार दीवारी है या जो पद्धति है उसको क्रॉस भी ना करे और वो नया भी, तो ऐसे अंग सौष्ठवों को मैंने अपनी नृत्य शैली में किया। और उसमें से ज्यादातर नृत्य करते करते, अभ्यास करते करते अपने आप निकले, और फिर जब वो निकले तो फिर उसको नोट डाउन करके कि अच्छा अभी क्या किया, अच्छा ये इस तरह से किया, क्योंकि नया ऐसे ही होता, नया हो जाता है, नया आप सोच कर। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स ये मैंने अपनी किताब में भी इन मुद्राओं को समाविष्ट किया है। जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ बताती हूँ कि शिव और पार्वती एक साथ हैं, उनकी ये मुद्रा, मुझे नहीं लगता कि शायद ये कैमरे में आम ही रहा होगा। तो ये पार्वती हैं, ये शिव हैं, और इसको अलग तरीके से जब मंच पे करते हैं तो इस तरह से आता है। कृष्ण की अर्ध बैठकी वाली मुद्रा, और बहुत विशेष है तिरछे चक्कर, जो कि कथक में ना के बराबर प्रयोग होते थे। हो सकता है मेरी इस बात से कई लोग असहमत भी होंगे, पर उनकी जानकारी के लिए मैं ये यहाँ कहना चाहूंगी कि स्वर्गीय पंडित गोपी कृष्ण जी तिरछे चक्कर किया करते थे, पर उनका जो करने का अंदाज था वो उनका अपना स्वयं का ही एक निराला ढंग था। तो उनसे मैंने प्रेरित होकर आज की वर्तमान की आधुनिक शैली के अनुरूप उन तिरछे चक्रों को ढाला और उनका अभ्यास किया, और कालांतर में विगत 20-25 वर्षों में बहुत सारे यंग डांसर्स हैं, और अब वो देख देख कर भी चीजें प्रचलित होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि ये एक्चुअली में आया कहाँ से। तो अब वो बहुत ही प्रचलित हो गया है, और अधिकांश लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि सबसे पहले ये सब शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इस तरह से आपकी आंगिक अभिव्यक्तियां, और बल्कि इस चीज पे अभी हाल ही में एक कथा केंद्र में जो सेमिनार्स हुए थे उसमें डॉक्टर आर्शिया सेठी जी ने इन सब चीजों पे ध्यान आकर्षित करवाया था कि आप अपनी चीजों को कैसे बताएंगे कि आपकी चीज है, उसका कोई एक डॉक्यूमेंटेशन
और हर चीज और कलाओं में तो अमूर्तन इतना ज्यादा होता है कि उस अमूर्त चीज को मूर्त रूप में दिखा के ठप्पा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, बट उस पर सोचना चाहिए। और वही सोचते सोचते शायद मैं आज ये इस मंच से ये बात बोल रही हूँ कि जो चीज अपनी है और जिस तरह से वो आई है वो तो प्रकाश में आनी चाहिए। एक आपके डांस की क्लिप और देखते हैं और फिर इस इंटरव्यू के अंत की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी, ये रचना मुझे मिली थी स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी से बहुत साल पूर्व, और उन्होंने बाकायदा मुझे ये दी थी और उसका अर्थ भी समझाया था। तो उस अनुरूप मैंने इस रचना को कथक नृत्य में लिया और उसको नृत्याभिव्यक्ति दी और फिर उसको मंच पर किया, जैसे कि मैंने पहले कहा था। और बाद में फिर बहुत सारे विद्यार्थी इसको भी करने लगे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि सर्वप्रथम ये रचना कथक में किसने की थी। चलिए वो क्लिप देख लेते हैं। जी, बनारस घराने की गणेश परन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि मुझे स्वयं पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी ने प्रदान की थी। अच्छा शाम्भवी, अब इस क्लिप के बाद जो मेरा सवाल है आपसे और जो इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल भी है वो ये कि बुंदेलखंड में आपने काफी काम किया और उसकी चर्चा भी काफी है। मैं जब भी मतलब अगर आपके बारे में मैं पढ़ता हूं तो उसमें काफी जोर देकर उस पर उसको फोकस किया गया है, उसको फीचर किया गया है। उसका मकसद क्या था और उस मकसद में कितना कामयाब हो पाए, किस परसेंटेज तक पहुंच पाए आप अभी तक? प्रारंभ यहाँ से करूंगी कि जिस दौरान हम लोग, जब मैं स्कूली दिनों से जी, उस वक्त ट्रेनों में एसी कोच भी नहीं हुआ करते, तो वो जो सफर है ट्रेन के सफर से शुरू और संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा। मुझे करना पड़ा तालीम लेने के लिए सागर मध्य प्रदेश से दिल्ली जाना, वहां रुकना, साथ में पढ़ाई भी करना, गुरुजी से तालीम भी लेना। तो इसलिए मेरा ये सोचना था कि जितनी तकलीफ मैंने उठाई है, जितना संघर्ष किया है, मेरी ये चाहत थी कि मैं अपनी भूमि को, जो मेरी जन्म स्थली है, उसको उसका अगर 10% भी दे पाऊं तो मैं धन्य होंगी। इसलिए बुंदेलखंड में कथक के प्रचार प्रसार के लिए निशुल्क तो छोड़िए, अपने स्वयं के खर्चे पर 10 साल कथक की तालीम दी ताकि कथक का प्रचार प्रसार हो। और आपको जानकर खुशी होगी कि सागर में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में कथक का स्तर अब बहुत बेहतर हुआ है पहले से। और ये भी यहाँ कहना जरूर चाहूंगी कि इसकी शुरुआत मेरे प्रथम गुरुजी पंडित प्रेम नारायण गुरुजी ने की। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो बनारस से आए और सागर में रह के उन्होंने कथक, वरना उससे पहले कोई नहीं जानता था कि कथक है और शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य की इतनी मर्यादाएं होंगी और इतनी कोई नहीं जानता था, बस एक फिल्मी नृत्य को ही लोग पहचानते। तो अपने गुरुजी के कार्य को और बढ़ाना यह शिष्य का कर्तव्य होता है और उसी कर्तव्य पथ पर चलते हुए किया और आज भी बहुत कोशिश करती रहती हूँ, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, पर छोटे शहरों में कोई काम नहीं करता है।
तो इसलिए बुंदेलखंड जो हमारा प्रदेश रहा है वहां पर ये किया। और इसके साथ ही कथक में नवाचार करते थे। जब भाषा की और बोलियों की बात आती है तो एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने ये किया कि बुंदेली जो बोली है उसको मैंने कथक में उसका समावेश किया। बड़ा मुश्किल होता है कि बोली की अपनी सुगंध, उसकी अपनी वानगी, उसकी अपनी मिठास कायम रहे, और जब आप एक लोक के तत्व को शास्त्रीय में समाहित करते हैं तो दोनों का ब्लेंड, मैं ये देखना चाहती थी कि दोनों का ब्लेंड हो और इस तरह से हो कि दोनों की खुशबू बरकरार रहे। तो महाकवि पद्माकर की रचनाओं से ले तक से प्रारंभ कर ईसूरी की रचनाओं तक बहुत सारे बुंदेली कवियों को मैंने लिया है, और बुंदेली भाषा खासतौर से ईसूरी जी की काव्य रचनाओं पर नृत्य प्रस्तुतियां दी हैं, जो कि लंदन तक में बहुत सराही गई। तो लोक तत्व का ऐसा विश्व में एक दर्शक समूह होगा, ये बात मुझे उस समय पता है। बहुत और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड का ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनाया गया। मैंने वहां पर ये शुरुआत की कि एक सागर महोत्सव हो सके और माहौल जो है और भी सांस्कृतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल जो है वो और भी सुदृढ़ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, और ढेर सारी शुभकामनाएं ना सिर्फ आपके व्यक्तिगत डांस करियर या अपने आपके लेखन के लिए, बल्कि इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत है और बहुत अहमियत रखता है हमारे आज के संगीत साहित्य की जो जगह है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इसमें एक चीज और जो आपने प्रारंभ में पूछा था जी, उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि भाषा और संगीत, साहित्य और संगीत, कहते हैं कि साहित्य और संगीत सहोदर है, और ये मायके की तो बात हुई, साथ में ससुराल पक्ष में भी साहित्य और संगीत का ऐसा समागम मुझे मिला, इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति धन्यवाद करती हूँ। हमारे जो देवर हैं डॉक्टर अंकित मिश्रा, वो मेरे नाना ससुर जी पंडित सुरेन मोहन मिश्रा, जिनको यूपी संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया था, वो बनारस के मूर्धन्य गायक हैं, तो उनकी गायन शैलियों पर वो डॉक्टरेट हो सका। हमारे भाई डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शुक्ला, उन्होंने क्रिटिकल स्टडी ऑफ गट्स इन सितार एंड सरोद म्यूजिक, इस पर डॉक्टरेट किया था, जिसके लिए उन्हें उस्ताद जाकिर हुसैन से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। और राधा गीत गोविंद संगीत सार के रागाध्याय पर मेरी भाभी डॉक्टर अलका का डॉक्टरेट है। इस प्रकार से मेरी माँ का डॉक्टरेट कथक में प्रयुक्त पदावली पर है। इस तरह से साहित्य और संगीत का सतत चिंतन, मनन और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही जरूरी है। और मैं अपने सभी जो मेरे शिष्य हैं, मेरे जूनियर्स हैं, उनको ये कहना चाहूंगी आपके इस प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से कि चिंतन, मनन और उस पर इम्प्लीमेंटेशन सभी जरूरी है। शुक्रिया। बाद में आपने और जो जानकारियां दी उनमें से काफी कुछ मेरे लिए भी नया था। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं।